आप सभी का ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शंकर जाट। आज अपन वॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइसेस इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वॉइसेस जिसको हिंदी में कहते हैं वाच। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। सबसे पहले अपन समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, और जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है, सब्जेक्ट खास होता है, उसको अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट को वाक्य के सबसे पहले लिखा जाता है वो अपनी एक्टिव वॉइस होती है। इसका उदाहरण भी अपन समझ सकते हैं, जैसे राम राइट्स अ लेटर, ये अपना एक सेंटेंस है। इसको अपन देखें, राम अपना सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें राम सबसे पहले आ रहा है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, सब्जेक्ट को प्रधान माना गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको अपन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। यानी जिसमें सब्जेक्ट खास होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, उस वाक्य को अपन कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। सीधी सी बात है, इस वाक्य में अपन देखें ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, इज रिटन वर्ब हो गई, और बाय के बाद मी अपना सब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता वाक्य के सबसे पहले आता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस जिसमें कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब बात परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, तो परीक्षा में प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना, या कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसमें आपकी पैसिव वॉइस की वर्ब क्या आएगी वो उसको चुनकर लिखना। तो अपन सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय दातव्य बिंदु, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया होगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे होगा, ऑब्जेक्ट पीछे होगा। तो पहला वाक्य है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना व सब्जेक्ट को कनेक्टिव बाय से जोड़कर ऑब्जेक्ट की जगह लिखना। पहला परिवर्तन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अपन को यह करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है आके, और सब्जेक्ट को कनेक्टिव बाय से जोड़ना है और ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। पहला परिवर्तन ये करना है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार वर्ब परिवर्तन करनी है, वर्ब का परिवर्तन करना है। ये जो भी वर्ब है आपकी वो वॉइस के हिसाब से बदल जाएगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब अलग होती है, पैसिव वॉइस में उसकी वर्ब का फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो दूसरा परिवर्तन अपन को वर्ब का परिवर्तन करना है। मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है
तो उसका किस प्रकार अपन बदलेंगे, तो आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन का परिवर्तन करना। सब्जेक्टिव अगर रूप है उसका और उसको पीछे ले जा रहे हैं अपन, तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप बना लेना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव अगर है और उसको आगे ला रहे हैं तो उसका सब्जेक्टिव रूप अपन को बनाना पड़ेगा, यह भी अपन को ध्यान रखना है। और चौथी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वी थर्ड आती है। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस से जब अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहने का मतलब जब भी आप पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी ही है। अब इसका दूसरा बिंदु अपन देखते हैं, आवश्यकता अनुसार वर्ब का परिवर्तन। तो किस प्रकार अपन वर्ब को परिवर्तित करेंगे, वर्ब एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दी गई होती है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो अपन इस तरह से सीखेंगे एक टेबल के रूप में कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस को वर्ब जो है उसको पैसिव वॉइस में अपन बदल सकें। आपको एक टेबल के रूप में बता रहे हैं, तो इधर अपने लिख देते हैं एक्टिव वॉइस की वर्ब, और उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस में बदल जाएगी, पैसिव वॉइस की वर्ब, ठीक है, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब्स, यानी एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार अपन बदलेंगे। सबसे पहले यदि एक्टिव वॉइस में वी फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस वी थर्ड में बदला जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। पहले ही बता चुका हूँ पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की सूचक होती है और वहां अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ रही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस बिंग और जुड़ेगा प्लस वी थर्ड आएगी। यदि इज एम आर और आई एन जी फॉर्म आ रही एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर तो आएगी, उसके साथ बिंग और जुड़ेगा, तो अपन को ये ध्यान रखना जब भी वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी उसकी पैसिव बनाते समय बिंग उसमें जोड़ना है, ठीक है। यदि मान लो वाज वर और आई एन जी आ रही है, वाज वर और वी फर्स्ट के साथ आई एन जी आ रहा है तो वही तरीका है, वाजवर जिसे इज एम आर के साथ आई एन जी आया, बिंग जुड़ा था तो वाजवर के साथ आई एन जी आ रहा है तो यहाँ वाजवर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और बिंग जुड़ जाएगा और वी थर्ड आ जाएगी। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, एक वचन है तो इज का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो आर का प्रयोग करना है, आई के साथ एम आएगा। इसी तरह यहाँ एक वचन है तो वाज का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो वर का प्रयोग करना है। यदि किसी वाक्य में हैज हैव प्लस वी थर्ड आए तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय जब भी हैज हैव आएगा उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय बिन जुड़ेगा, हैज हैव प्लस बिन प्लस वी थर्ड, तो हैज हैव के साथ हमेशा बिन जुड़ता है। इसी तरह से मान लो यदि हेड आ जाए, हेड प्लस वी थर्ड आए तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेड प्लस बिन प्लस वी थर्ड जुड़ता है। तो आई एन जी आए उस समय बिंग जुड़ता है, हैज हैव हेड आए उस समय बिन जुड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इस प्रकार से अपन किसी का भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि किसी वाक्य में मान लो विल हैव शैल हैव आ जाए, विल हैव शैल हैव प्लस वी थर्ड आ जाए तो इसमें वही है, विल हैव शैल हैव आ रहा है तो बिन जुड़ेगा, तो विल हैव शैल हैव प्लस बिन प्लस वी थर्ड। आप देखिए हर जगह वी थर्ड आ रही है, वी थर्ड वी थर्ड वी थर्ड वी थर्ड, तो जब भी पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला है विल शैल, और अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म, तो इसी स्थिति में जब इनकी पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे तो बी और जुड़ेगा, विल शैल प्लस बी प्लस वी थर्ड फॉर्म,
तो विल शेल जब आए तो बी जुड़ेगा। इसी तरह से मान लो कोई मॉडल आ जाए, विल शेल वुड शुड मे माइट मस्ट, इस प्रकार का कोई मॉडल यदि आता है और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय उसी मॉडल का यूज करना है, प्लस बी यूज करना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म आए तो इजी मार हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब आता है, इजी मार और आईएनजी आता है तो बिंग जुड़ता है, वाज वर्ब और आईएनजी आता है तो बिंग जुड़ता है, हैज हैव आए तो बिन जुड़ता है, हेड और थर्ड फॉर्म आए तो बिन जुड़ता है, विल हैव शैल हैव आए तो बिन जुड़ता है, और विल शेल आए तो उसके साथ बी जुड़ेगा, और मॉडल कोई आए तो उसके बाद बी जुड़ेगा। तो इस टेबल की सहायता से कोई भी वर्ब का परिवर्तन अपन आराम से कर सकते हैं और एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में अपन बदल सकते हैं। अगला आता है अपना चेंज ऑफ प्रोनाउन। कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में वो प्रोनाउन दे देता है तो उस प्रोनाउन को भी अपन को परिवर्तित करना होता है। प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म बनाना पड़ता है और सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना पड़ता है। तो इसको अपन एक टेबल के रूप में पढ़ लेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की तीन फॉर्म अपने पास होती है, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। मैं सब्जेक्ट ले लूं जैसे आई, पजेसिव फॉर माई मी, इसी तरह वी आवर अस, यू यूअर यू, ये प्रोनाउन के तीन फॉर्म है। यानी सब्जेक्ट के रूप में जब काम लेंगे तो आई आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे तो मी आएगा, ऑब्जेक्ट में कोई मी है तो उसको आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को आपको समझना है। इसी तरह ही, हीज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये तो मैंने खास खास जो प्रोनाउन है उनकी फॉर्म आपको बदला दी। किस प्रकार ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी तो उसको सब्जेक्टिव में बदलेंगे, सब्जेक्टिव आएगी तो उसको ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे। तो इनके आधार पे अपन किसी भी प्रोनाउन को एक्टिव से पैसिव में बनाते समय चेंज कर सकते हैं। अगला है अपना, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आएगा उसका मैं एक दो आपको उदाहरण लेकर समझा देता हूँ कि किस प्रकार अपन उस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे द टीचर teaches us, या ये भी हो सकता है द टीचर टीचेस इंग्लिश। इस सेंटेंस को अगर अपन बदलेंगे तो द टीचर अपना सब्जेक्ट है, टीचेस अपनी वर्ब है, इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट है। साफ बात है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में अपन को बदलना है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इंग्लिश, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बाय लगाकर जोड़ना है, बाय द टीचर। अब अपनी जगह खाली रही है वर्ब की। वर्ब देखिए आप, टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा है, और अपन सीखे हैं चेंज ऑफ वर्ब्स में पहला सूत्र यही था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और थर्ड फॉर्म में बदलती है। तो इंग्लिश के साथ इज एम आर में से इज आ जाएगा और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। और उदाहरण, रवि इज राइटिंग अ लेटर। रवि अपना सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ए लेटर, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, रवि सब्जेक्ट है, पीछे ले जाएंगे, बाय रवि। अब आप वर्ब देखिए, इज एम आर और आई एन जी आ रहा है, और अपना उधर सूत्र भी कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में इज एम आर और आई एन जी आता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग और जुड़ता है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आती है। तो ए लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी इज, आई एन जी की वजह से आपका जुड़ जाएगा बिंग, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। तो अपना पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर इज बिंग रिटर्न बाय रवि। उसी तरह और उदाहरण ले लेंगे अपन, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे अपना सब्जेक्ट है, हैव प्लेड वर्ब है, क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट है। इसकी अपने को पैसिव वॉइस बनानी है, क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट बना देंगे क्रिकेट, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, दे को पीछे लाएंगे, प्रोनाउन में मैंने आपको बताया है, दे को जब पीछे लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगी, बाय देम।
अब आप देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन सीखे हैं, हैज हैव आता तो बीन जुड़ता है, तो क्रिकेट, हैव बीन प्लेड, हैज क्रिकेट के साथ हैज बीन प्लेड बाय द बाय देम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, तो हैज हैव आएगा तो उस समय बीन जुड़ेगा। इसी तरह से अपन और उदाहरण ले सकते हैं और उन प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म का उदाहरण ले लेते हैं, तुलसीदास रोट रामायण, इस सेंटेंस को आप देखिए, तुलसीदास अपना सब्जेक्ट है, रोट अपनी वर्ब है, रामायण अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे रामायण, वर्ब खाली छोड़ दी, तुलसीदास को पीछे ले जाएंगे बाय तुलसीदास। अब आप देखिए आपकी जो वर्ब है वो रोट, राइट, रोट, रिटर्न, रोट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को अपन ने सीखा है जब भी पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म में आएंगे, तो रामायण एक वचन इसलिए वाज आ जाएगा, रामायण और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रामायण वाज रिटर्न बाय तुलसीदास। और उदाहरण लिख सकते हैं, शी हैड कुक्ड फूड, अब इस सेंटेंस को देख लीजिए आप, शी आपका सब्जेक्ट है, हेड कुक्ड वर्ब है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे फूड, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, शी को पीछे ले जाएंगे, शी सब्जेक्टिव फॉर्म है और जब पीछे लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा शी हर हर, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर। अब आपके देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन सीखे हैं, हैज हैव आए तो भी बीन जुड़ता है और हेड आए तो भी बीन और जुड़ता है, तो फूड के साथ हेड बीन कुक्ड बाय हर, तो इस तरह से अपन इसकी भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और उदाहरण, ही विल राइट अ स्टोरी, ये एक सेंटेंस है, इसमें आपका ही सब्जेक्ट है, विल राइट आपकी वर्ब है, ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ए स्टोरी को आगे ले आएंगे, वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, ही को पीछे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही का हिम और बाई से जोड़ देंगे तो बाई हिम। अब देखिए आप विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपन सीखे हैं विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बी और जुड़ता है, तो ए स्टोरी विल बी और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो ए स्टोरी विल बी रिटर्न बाय हिम, तो इस तरह से अपन इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने ले सकते हैं, मॉडल का उदाहरण ले सकते हैं, रवि कैन स्पीक गुजराती, रवि आपका सब्जेक्ट है, कैन स्पीक आपकी वर्ब है, गुजराती आपका ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो गुजराती, वर्ब की खाली छोड़ दी, रवि को पीछे ले जाएंगे बाय रवि। अब आप वर्ब देखिए, कैन और स्पीक अपन सीखे हैं मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अपन सीखे हैं जब भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ बी और जुड़ता है, तो गुजराती कैन बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक स्पोक स्पोकन, तो अपन लिख देंगे स्पोकन, कैन बी स्पोकन, तो पूरा सेंटेंस हो गया गुजराती कैन बी स्पोकन बाय रवि। तो इस तरह से अपन किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, एक तो इस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको पैसिव वॉइस बनाना होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे दिया जाता है जिसमें आपको चार अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना होता है, तो उसमें आपको टेंस का पता, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर पता लगाना पड़ता है, या उसमें कोई एडवर्बियल होता है उसके आधार पर पता लगाना पड़ता है। जैसे उदाहरण है, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, ये दूसरा तरीका है परीक्षा में इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके चार ऑप्शन इसने दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ए में दे रखा है इज अवार्डेड
बी में दे रखा है वाज अवार्डेड, सी में दे रखा है आर अवार्डेड और वर अवार्डेड। तो इसमें आपको टेंस का जब पता लगेगा उसमें कोई कोई एडवर्बियल होगा और उस एडवर्बियल के आधार पे उसका पता आपको लगाना पड़ेगा, और एडवर्बियल से आपने टेंस का पता लगा दिया तो आपकी वर्ब इजीली आप ढूंढ सकते हैं। अब इसमें आपको देखिए द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, ये जो सब्जेक्ट है एडवर्बियल है और लास्ट आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम आती है। तो सेकेंड फॉर्म को अपन को अब यहाँ पैसिव बदलना है, तो सेकेंड फॉर्म की पैसिव चेंज अपन सीखे हैं, जो अपने चेंज ऑफ वर्ब्स में दूसरा सूत्र था वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब इसमें भी वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप देखिए इसमें ईज आ रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें आर आ रहा है ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो वाज और वर्ब दोनों हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आ रहा है तो स्टूडेंट्स बहुवचन है और बहुवचन के साथ वर आएगा, वाज नहीं आ सकता, तो अपना सही उत्तर होगा डी। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आप चार ऑब्जेक्टिव को छांटकर उसमें से जो सही है उसको चुन सकते हैं। आपका ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शीघ्र ही अपन वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।